नमस्कार, मैं हूं स्नेहा डबास और आप देख रहे हैं खबर फास्ट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। चुनाव से पहले सीएम केजरीवाल को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया गया। अभी पार्टी इस झटके से उभर भी नहीं पाई थी कि अब केजरीवाल की पार्टी एक नई मुसीबत में घिरती दिख रही है। खबर है कि ईडी जल्द ही आपकी संपत्तियों को जब्त कर सकती है। इस बात की जानकारी खुद ईडी ने बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट को दी है। ईडी ने कोर्ट को बताया है कि वह दिल्ली शराब घोटाले केस में आम आदमी पार्टी की कुछ संपत्तियों को जब्त करना चाहती है। बता दें कि आज एक बार फिर से दिल्ली हाई कोर्ट में केस को लेकर सुनवाई हुई, जहां ईडी की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कोर्ट को बताया है कि वे आम आदमी पार्टी की कुछ संपत्तियों को जब्त करने जा रही हैं। लेकिन इसे लेकर एक दुविधा है। ईडी की ओर से बताया गया कि अगर हम ऐसा करते हैं तो वे कहेंगे कि चुनाव के समय ये सब किया जा रहा है, और अगर नहीं करेंगे तो कहेंगे कि सबूत कहां है। ईडी ने कहा कि फिलहाल हम जांच कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर वाकई ईडी आम आदमी पार्टी की प्रॉपर्टीज को जब्त करना चाहती है तो चुनाव से पहले एक बार फिर से विपक्षी गठबंधन को सरकार पर हमला बोलने का मौका मिल जाएगा। बता दें कि इससे पहले कांग्रेस पार्टी भी बीजेपी सरकार पर उनके बैंक अकाउंट फ्रीज करने का आरोप लगा चुकी है। एक महीने पहले कांग्रेस पार्टी के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए। आप सोचिए, आप किसी परिवार के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी व्यक्ति के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी बिजनेस के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी भी संस्था के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, होता क्या है? एकदम खत्म हो जाता है। अगर आपने किसी परिवार का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया, भूखे मर जाते हैं। वो कांग्रेस पार्टी के साथ किया जा रहा है। एक महीने पहले यह हुआ, और किसी संस्था ने, हिंदुस्तान की संस्था ने, किसी कोर्ट ने, किसी इलेक्शन कमीशन ने चूं तक नहीं कहा। दिल्ली शराब घोटाले को लेकर ईडी का एक्शन लगातार जारी है। आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेता दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, मंत्री सत्येंद्र जैन तिहाड़ जेल में बंद है, तो वहीं राज्यसभा सांसद संजय सिंह को कल सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है।